इस मौके पर आज खदीब आज़म फाउंडेशन बेलगाम अपने 3 साल जश्न को मना रहा है, जिसमें उसने अपनी जो इंसानी खिदमात अंजाम दी हैं वो आज एक मुख्तसर रिपोर्ट के तौर पर कौम के सामने पेश की जाएंगी। इस मुबारक मौके पर हमारे दरमियान शहर की मारूफ शख्सियात हस्तियां मौजूद हैं, जो कुछ भी खतीब आज़म फाउंडेशन के कारहाए नुमाया मुशाहिदा किया है, देखा है, समाप्त किया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़े अव्वल से शुरू दिन से ही मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि इन्होंने खिदमत का वो अंदाज और वो तरीक़ा अपनाया है कि जिसमें न दिन देखा न रात देखा, जब कभी भी जहाँ कहीं भी खलूत खुदा की खिदमत का मौका आया तो उन्होंने अपने आप को सबसे पहले पेश किया। मेहमानों का जैसे कि हमारे MLA आसिफ राजू शेर साहब, मुफ्ती साहब और काली मिट्टी साहब और भी मेहमान जो यहाँ मौजूद है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने आके हमारी और हमारे फाउंडेशन की इज्जत अफजाई की है और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप सभी इस फाउंडेशन की हौसला अफजाई करते हुए इसी तरह आगे फाउंडेशन को बढ़ाने की कोशिश करें। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ खदीब आज़म फाउंडेशन के मेम्बरान और सदर का, जो इतना अच्छा इन्होंने हेल्थ कैंप रखा है और साथ ही साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है। मैं तो एक दो टेबल लगा रहा, हेल्थ कैंप बोलना और चले जाना, पब्लिसिटी के लिए होता है, ये भी हमने देखा है। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करता हूँ ये सभी डॉक्टर्स का कि उन्होंने वक्त निकाल के यहाँ पे अपनी खिदमत दे रहे हैं, कि डॉक्टर्स के बगैर तुम कितना भी बड़ा कैंप रखो सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकता। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के यौमे के पाए पैदाइश के दिन पे जो किया है, बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो जंग लड़ी थी अंग्रेजों से, और जब वो रॉकेट इस्तेमाल किया था पूरी दुनिया में या कम से कम हमारे वतन में वो पहला था, और बाद में उसकी रिसर्च चालू हुई। आजकल ऐसे हीरोज बनना बंद हो गए हैं। आप सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सभी फाउंडेशन, सभी जमातों के सदर, सभी जो लीडर बैठे हैं यहाँ पे, सभी बुजुर्ग से यही है और एक बात की दरख्वास्त करता हूँ कि हेल्थ केयर और एजुकेशन के साथ साथ एक बैतूल बात भी कीजिए, जो आज के तारीख में बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने एक शख्स ने मेरे सामने देखा तो मैंने सोचा कि बैतूल माल की रकम अगर हमारे जमातों के हाथ में रहेंगी तो किसी को कुछ आफत आ गए तो इमीडिएटली आगे बढ़ के देंगे तो वापस आपको देते जाएंगे। ये चीज़ आज के दौर में, आज की तारीख में सबसे अहम है। कुरान पाक की आयत करीमा मैंने पढ़ी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लदीना आमनु, सूरह मोहम्मद की आयत करीमा है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लदीना आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, हे ईमान वालो अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, वह युसब्बितु अक़दामकुम और तुम्हारे कदम को साबित कदम रखेगा, है ना। अब सवाल होता है ये अल्लाह की मदद करना, अल्लाह का मुल्हाकमीन है, कादिर मुतलक है, हय्यु कय्यूम है, उसे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। यकीनन अल्लाह पे नियाज है, अल्लाहु समद, अल्लाह पे नियाज है। फिर इसका मतलब क्या, हदीस मुस्तफा में उसकी तशरीह मिलती है
कल कयामत के मैदान में एक बंदा हाथ खुदा के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह उनसे नाराज होगा, मेरे बंदे कल मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं कल बीमार था, तूने मुझे मेरी तीमारदारी नहीं की, कल मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाएगा, बंदा हैरान और परेशान है, मेरे परवरदेगार तू खालिक और मालिक है, तू मेरा मालिक है मौला, तुझे भूख नहीं लगती, तुझे प्यास नहीं लगती, तुझे ओंग और नींद नहीं आती, तू बीमार नहीं होता, मौला तेरी मदद क्या है, चुनांचे अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे बंदे तेरी पड़ोसी में, तेरी आबादी में, तेरे मुआशरा और सोसाइटी में मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तूने उसकी आदत की होती तो जरूर मुझे उसके करीब पाया होता, अगर वो भूखा था, अगर तूने खाना खिलाया होता तो जरूर उसे यकीनन मुझे उसके करीब पाया होता, वो बंदा परेशान हाल था, उनकी परेशानियों को दूर की होती तो जरूर मुझे उसके करीब पाया होता। तो पता चला अल्लाह की मदद का मतलब क्या है, अल्लाह के मखलूक की मदद करना है ना, परेशान हालों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, मुफलिसों की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना। तो खतीब आदम फाउंडेशन के जिम्मेदारान बड़े खुशनसीब हैं, ये एनिवर्सरी का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये 3 इयर्स जर्नी ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। तो यकीनन ये 3 साल काम करने में कई लोगों ने हमारा साथ दिया है और खतीब आज़म फाउंडेशन उन तमाम का शुक्रिया अदा करता है। और आज के इस प्रोग्राम के सदर मुफ्ती मंजूर अहमद अवन मिसबाही साहब का खतीब आज़म फाउंडेशन की जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त उन्होंने हमें दिया और अपने ख्याल से हमें नवाजा। और इनके बाद मैं आज के चीफ गेस्ट MLA आसिफ उर्फ राजू सेठ साहब के मैं उनको भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बिजी स्केड्यूल में से उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे यहाँ पर हाजिर हुए और हमारी हौसला अफजाई की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खतीब आज़म फाउंडेशन की जानिब से द ग्रेट फ्रीडम फाइटर हजरत कैफ़ुज़्ज़ुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के तौबे पैदाइश के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप और फ्री मेडिकल कैंप रखा गया। फ्री मेडिकल कैंप के अंदर थायरॉयड, BP, शुगर, डेंटिस्ट, हीमोग्लोबिन बहुत से चेकअप कराए गए, जिसमें से in which thousand of people have been patients have been benefited, and also we have conducted a blood donation camp in which total 88 donors have been donated their blood on the name of the great freedom fighter Hazrat Tipu Sultan Muhammad।